अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। की टक्कर में वंश हमारा नारायण, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रणवे, आपके द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों आप पे एफआईआर भी हुई थी, उसके बाद आज आप इस तरह का अनूठा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विगत डेढ़ वर्ष से हम नगर निगम में जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर इसलिए ही हमें और हमारे राष्ट्रवादी परिषद दल को अनूठा कहा जाता है। अभी देखने में आ रहा था कुछ दिनों से राजस्व विभाग में एक भ्रष्टाचार गिरोह काम कर रहा है, वसूली गिरोह काम कर रहा है, जो आए दिन छोटे मोटे गरीब लोगों को, छोटे मोटे घर बनाने वालों को परेशान, अवैध रूप से वसूली करते हैं। पहले भी इनको दीपावली के समय एक दिए बेचती महिला से पकड़ा था अवैध वसूली करते हुए। अब मेरे वार्ड में ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे और इनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा, और जब इनसे कहा सुनी हुई तो इन्होंने मेरी झूठी FIR सिटी कोतवाली पर लिखाई। और एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना यदि FIR है तो ऐसी FIR होती रहे। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे। अब मानते हैं आए दिन पार्षद और अधिकारियों में असमंजस बन रहा है, एक साल में एक आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी है। बिल्कुल, जनता का प्रेशर पार्षद पर रहता है और कर्मचारियों ने कसम खा ली कि हम काम नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। वर्षों से बैठे हुए नगर निगम में पुराने अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी होना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल, मुझे बरसों का पता नहीं है, बरसों से वो हैं, मुझे तो 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन यदि ऐसा है तो बिल्कुल उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए और ये ऐसा जो भ्रष्टाचार है वो भी बंद होना चाहिए। मुझ पे जो FIR हुई है ऊपर से नीचे तक, मेरे पास में लेटर है, मुख्यमंत्री जी से लेकर के नीचे कलेक्टर साहब तक मैं इसकी शिकायत करूंगा। और ऐसे भ्रष्टाचार गिरोह को देवास में बंद करवा के रहेंगे हम और हमारे राष्ट्रवादी पार्षद दल नगर निगम के सभी तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए काम करते रहेंगे। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस तरह के अनूठे प्रदर्शन करके? ये संदेश है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ करी तो मेरे पर FIR हुई, पुलिस वालों से बात हुई कि एक